नमस्कार आदाब सस्काल मैं हूं कपिल का काटपाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड दिस ट्वेंटी ट्वेंटी विद मी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पे रोज सुबह इसी वक्त आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूं बस बने रहिए आ मेरे साथ डेफिनेटली आप नाइन्टी परसेंट तक स्कोर कर सकते हैं अपने करंट अफेयर सेक्शन में आपको इतना शानदार कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ बिशर्ते आप इस क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिए डेली बेसिस पर और रिवीजन अच्छे से कीजिए गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड मॉर्निंग वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू ओके स्टार्ट करते हैं सेशन को 28 दिसंबर 2020 इस सेशन के तुरंत बाद एमसीक्यू क्लास जरूर अटेंड किया कीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं पहली न्यूज़ आपकी आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है एक हाई लेवल कमेटी बनाने का हाई लेवल कमेटी किस परपज से बनाई जाएगी यह बनाई जाएगी हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं इनकी आपकी एक बर्थ एनिवर्सरी है 125वीं बर्थ एनिवर्सरी जो कि अगले साल से इसी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी को देखते हुए यहां पर अगले साल से यहां पर पूरे साल क्या क्या प्रोग्राम किए जाएंगे क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाएंगी उसी से रिलेटेड एक हाई लेवल कमेटी यहां पर कॉन्स्टिट्यूट की गई है हाई लेवल कमेटी जो कंस्टिट्यूट की जाएगी इसको हेड कौन करेंगे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अमित शाह इसको हेड करेंगे यहाँ पर ये आपका इसमें एक इनिशियल स्टेज पर एक लाउड एंड साउंड शो नेताजी की जिंदगी के ऊपर ये प्लान किया गया है जो कि कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल बिल्डिंग में स्टेब्लिश किया जाएगा एंड इन 2019 में एक ऑलरेडी एक म्यूजियम सेटअप किया गया था नेताजी के ऊपर एट दी रेट वोट इन न्यू दिल्ली इसी तरह से रिलेटेड और भी बहुत सारी एक्टिविटीज अगले साल 23 जनवरी 2021 से आपकी स्टार्ट होंगी ताकि आपकी नेताजी का जो एक सौ वर्षगांठ है बर्थ एनिवर्सरी है उसको यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा सके एक अच्छे लेवल पे सो एग्जाम पॉइंट ऑफ क्वेश्चन कौन सी कमेटी बनी है कौन हेड करेगा इस कमेटी को ये सबसे इंपॉर्टेंट है और एक कमेटी किससे रिलेटेड है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है एंड कहाँ पर इनका लाउड एंड साउंड शो एक बनाया जाने की प्लानिंग की जा रही है विक्टोरिया मेमोरियल बिल्डिंग जो कि कोलकाता में है आपकी अवेलेबल राइट नेक्स्ट चलते हैं जीएस कैस दी रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन लॉन्च बाई दब्ल्यू एम एंड एन वाई के एस ओके सो यहाँ पर नेशनल वाटर मिशन नेशनल वाटर मिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन कोलेबोरेशन नेहरू युवा केंद्र संगठन ओके सो पर नेशनल वाटर मिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कोलेबरेशन किया है नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ इसके तहत जो कि काम करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के अंडर इन्होंने लॉन्च किया है जीएस ए टू कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन इन न्यू दिल्ली ओके सो यहाँ पर ये कैंपेन एक लॉन्च किया गया है The Rain JSA का मतलब है जल शक्ति अभियान जे एस ए का यहाँ पर मतलब है जल शक्ति अभियान ये एक कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसके तहत, जिसके तहत तहत आपका यहाँ पर रेन हार्वेस्टिंग या फिर जो बारिश का पानी है उसको कंजर्व करके उसको स्टोर करके फर्दर उसको यूज किया जा सके दूसरे इंपॉर्टेंट काम के लिए सो so, यहाँ पर नेशनल वाटर मिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है यहाँ पर पहली चीज तो ये है इसमें जानने वाली दूसरी चीज इसने किसके संगठन. संगठन के साथ किया है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये पूछा जा सकता है दैट इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स के अंडर ये काम करता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो पूछ सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं जे सी टू रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये पूछा जा सकता है ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड देल एज दी नेहरू युवा केंद्र संगठन दोनों के साथ मिलकर ये कैंपेन को लॉन्च किया गया है और जे का यहाँ पर मतलब है जल शक्ति अभियान से राइट सो यहाँ पर टैगलाइन जो दी गई है यहाँ पर वो दी गई है कैच द रेन Where it falls, when it falls. Means, पानी को जहां पर भी बारिश का पानी गिरता है उसको बचाइए उसको देखिए कहाँ पर ये गिर रहा है और कब गिर रहा है इसलिए ताकि उसको कंजर्व करके रखा जा सके राइट right. सो so, ये आपका पहले अभी फेज टू जो है आपका जी एस टू जो जिसको नाम दिया गया सेकेंड वर्जन ये आपका छह सौ तेईस डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया छह सौ तेईस डिस्ट्रिक्ट्स में ये आपका लॉन्च किया जाएगा GSA2, के द्वारा सो so, एग्जाम जीएसए से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं थोड़ा ध्यान से अच्छे से ही याद कीजिएगा एन वाई के एस की बात करो चेयरपर्सन के, के किरण रिजिजू जी हैं जो कि हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स भी है हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है नेक्स्ट चलते हैं हम आ, मपेदा मपेेदा ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला एक्वा फार्मर्स कोल सेंटर कहां पर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में मपेदा क्या है मैरिन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी लॉन्च किया है इंडिया का पहला कोल सेंटर फॉर द एक्वा फार्मर्स एट द विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है एंड द दल सेंटर विल हैंडल इन इंग्लिश एंड द हिंदी ओके सो कॉल सेंटर है ये बेसिकली क्या प्रोवाइड कराएगा ये आपका एड्रेस करेगा ये आपका डील करेगा आपका किसानों के साथ किसान दैट आर ओनली द एक्वा फार्मर्स एक्वा फार्मर्स क्या है एक्वा फार्मर्स जो आपके किसान मछली पालन एंड ऑल जो आपका उसमें आपका इन्वॉल्व रहते हैं सो so, उनको किसी भी तरह का इश्यूज है उनको टेक्निकल इशू आ रहा है उनको आपका किस तरह के उनको मेथड्स करने चाहिए उनके बारे में जानकारी ये आपका कॉल सेंटर यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगा एंड दिस कॉल सेंटर हैज बीन एस्टेब्लिश बाय द प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज मपेदा के द्वारा इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला कॉल सेंटर फॉर एक्वा दस एग्जाम्पल से क्वेश्चन जो आएगा वो यही पूछेंगे इंडिया का पहला कॉल सेंटर फॉर एक्वा फार्मर्स कहाँ पर बनाया गया है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में मनाया गया नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि पहला कॉल सेंटर फार्मर्स का किसके द्वारा बनाया गया है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है राइट आंसर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका आंसर रहेगा राइट सो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉल सेंटर ताकि उनकी मदद की जा सके एक्वा फार्मर्स को आपका नॉलेज दी जा सके उनको फार्मिंग मेथड्स नए नए जो तरीके हैं वो उनको बताए जा सके अगली न्यूज हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से आई है इन्होंने अप्रूवल दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड एंडवेज ने आपका अप्रूवल दिया है किस चीज का फॉर द दिन ऑफ दू जीरो ई टू जीरो क्या है ये एक ब्लैंडिंग है ट्वेंटी परसेंट ऑफ एथेनॉल एंड द दैसोलाइन की एज ऑटोमोइल फ्यूल टू रिड्यूस विकुलर एमिशन सो बेसिकली यहां पर आपका अभी तक आप अभी तक आप जानते होंगे काफी लोग आप में से एथेनॉल को मिक्स किया जा सका है यहाँ पर 10% परसेंट तक ये परमिशेबल है अभी तक 10% परसेंट ही परमिशेबल था आपका एथेनॉल को ब्लेंड करना आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बट यहाँ पर अब केवल और केवल 5.6% परसेंट तक ही आप अचीव कर पाई है इंडिया बिकॉज ऑब्वियस ऐसे तो है नहीं कि कोई भी चीज किसमें मिक्स कर दो और वो आगे काम कर जाए उसके लिए टेक्नोलॉजी आगे भी वैसी बनानी पड़ती है सो अभी तक केवल पांच पॉइंट छह प्रतिशत तक ही मिक्सिंग हो पाई थी बट यहाँ पर अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने दस परसेंट से बढ़ाकर इसको 20 परसेंट कर दिया ओके okay? 10 परसेंट से बढ़ाकर इसको 20 परसेंट कर दिया है एंड दिस इज अ ब्लेंडिंग ऑफ 20 परसेंट ऑफ एथेनॉल एंड दैसोलाइन ओके सो किस चीज की ब्लेंडिंग है एथेनॉल एंड द गैसोलाइन की ये ब्लेंडिंग है और यहां पर अगर uh, इससे पॉल्यूशन भी कम होगा आपका और एज वेल एज एथेनॉल जो कि बायो फ्यूल है इट इज अ बाय प्रोडक्ट है जब भी आपका कोई भी एग्रीकल्चर फीड स्टॉक लाइक दी कॉर्न शुगर केन हेम्प पोटैटो इस तरह की चीज़ें ग्रो की जाती हैं उसका जो बची हुई चीज़ें होते है दैट प्रोड्यूस एथेनॉल यहाँ पर एंड uh, इसमें पहले दस था अब बीस हो गया एग्जाम एग्जाम्पल डिज क्वेश्चन दस बीस ये प्रोपोर्शन पूछ सकते हैं क्या चीज़ है इसके अंदर एथेनॉल एंड क्या सोलाइन है ये पूछ सकता है कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको मंजूरी दी है अब यहाँ पर कंफ्यूजन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यहाँ पर दे देंगे आपको सबसे पहला क्वेश्चन में ऑप्शन ठीक मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जबकि वो गलत आंसर आंसर रहेगा है रोड एंड हाईवेज ध्यान रखिएगा इस न्यूज का खासकर इसमें आपको कंफ्यूजन के लिए आपको यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपका दिया जा सकता है इसमें ऑप्शन सबसे पहला जो कि गलत रहेगा आंसर रहेगा इसका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज राइट चलिए नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2020 ये स्टार्ट हुआ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में यहाँ पर इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2020 इनिशिएट किया गया है हाईलाइट ऑफ डे इज व्हेन 55,000 स्कूल स्टूडेंट्स विल कलेक्टिवली रिसाइट 19 वर्सेस फ्रॉम भगवत गीता ऑन दी कंक्लूडिंग डे सो यहाँ पर पचपन स्कूल स्टूडेंट्स आपका एक साथ यहाँ पर 19 वर्सेस जो आपका बोलेंगे भगवत गीता की इंक्लूडिंग डे जब आपका ये एंड हुआ उस टाइम पे ये बोली गई उनके द्वारा यहाँ पर इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2020 हजार हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ राइट सो ये आपका एवरी ईयर होता है जहाँ पर 9000 स्टूडेंट्स आपके कुरुक्षेत्र से आते हैं uh, so, कुरुक्षेत्र में ऑब्वियस है गीता गीता आपका पुराण जो है गीता महाकाव्य जो है वो आपका रिलेटेड है महाभारत से और महाभारत की जो जंग है आप सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी राइट सो यहाँ पर वही है कुरुक्षेत्र इंटरनेशनल गीता महोत्सव पचपन हजार स्टूडेंट्स यहाँ पर एक साथ आपका पूरे के पूरे गीता को एक साथ आपका पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं खैर अब एंड हो चुका है हमारा ये इवेंट ये आपका सो ये किया जा चुका है नेक्स्ट चलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने साथ में एसोसिएशन किया है एनपीसीआई का एनपीसीआई के साथ एसोसिएशन किया है और इसके साथ मिलकर इन्होंने रुपये सेलेक्ट कॉन्टेक्ट डेबिट कार्ड को लॉन्च किया अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक की आपकी यहाँ पर एक सौ दसवें फाउंडेशन डे था द बैंक इन एसोसिएशन विद द नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि एन पी सी माना जाता है फादर एंड मदर ऑफ़ द डिजिटल बैंकिंग इन इंडिया डिजिटल बैंकिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके इंडिया में वो आपके एन ही लॉन्च करता है लाइक दी आपके पास जो भी आप डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स देखते थे पहले तो ए और डेबिट कार्ड को हम डिजिटल बैंकिंग मानते थे उसके बाद तो फिर इंटरनेट बैंकिंग का जमाना आया आजकल यू चल रहा है फोन पे फोन uh, पे तो कंपनी है यूपीआई जो बेसिकली आपका काफी ज्यादा चर्चा में रहता है वॉलेट है हुए ये सारे के सारे डिजिटल मोड जो भी आपका मार्केट में लेकर आया है वो एनपीसीआई ही लेकर आया है एनपीसीआई ही इनके बारे में लाइसेंस दे देता है एनपीसीआई ही आपका इसके बारे में मॉनिटरिंग करता है ईच एंड एवरी थिंग इज डन बाई दी एन वो एक प्रकार से रेगुलेटर है डिजिटल प्रोडक्ट्स का आपका इंडिया में सो so यहाँ पर एन के साथ ही मिलकर यहाँ पर बैंक ने दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है आपका क्या रुपे सेलेक्ट रुपे सेलेक्ट यहां पर लॉन्च किया है ये एक यूनिक वेरिएंट है कांटेक्टलेस डेबिट कार्ड कांटेक्टलेस डेबिट कार्ड क्या होता है कि आपको कोई भी कार्ड को स्वाइप जो मशीन है आपकी मान लीजिए ये आपकी मशीन है तो आपको स्वाइप करना होता है साइड में जाकर स्वाइप करते हैं या फिर कार्ड में इस तरफ से इंसर्ट कर लिया जाता है तो ये चीज करने की जरूरत नहीं जस्ट क्या करना है कार्ड को ऊपर जो कार्ड है आपका ये उसके जो मशीन है उसके ऊपर टैप करना है वहां पर जहां पर वाईफाई का निशान बना होगा और ये वाईफाई के कनेक्शन के वाईफाई फाई जहां पर निशान होगा उसके थ्रू ये आपका डेबिट कार्ड की डिटेल्स को कैच कर लेगा और आपकी पेमेंट हो जाएगी ओके सो दिस इज दी दिस इज बेस्ड ऑन द एन टेक्नोलॉजी ओके एन टेक्नोलॉजी के ऊपर ये चीज बेस्ड है दैट इज ए नियर

तक का यहां पर एक्सीडेंटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी कवर भी यहां पर दिया जाए गा ओके सो दिस इज दी दस लाख रुपए का इंश्योरेंस इस पर्टिकुलरली कार्ड के ऊपर ये लिखा हुआ है आपका एनपीसी का स्टैटिक फैक्ट एंड दिस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्टैटिक फैक्ट आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में अच्छे से याद कर लीजिएगा एग्जाम पॉइंट से इसी तरह की स्टैटिक पूछी जाती है जो लोग नए हैं मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनको बता दूं कि जो स्टैटिक अवेयरनेस आती है उसको हमें अलग से कहीं से करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो इररिलेवेंट हो जाएगा जो भी स्टैटिक अवेयरनेस आपको करनी है वो केवल करंट अफेयर्स की ही न्यूज़ से करनी है लाइक दी ये नीचे लिखा हुआ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ये स्टेटिक अवेयरनेस ही है इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा अगर आपको अलग से आप कर रहे हैं कहीं से रोज का रोज एक स्टेट पढ़ते रहते हैं रोज के रोज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ते रहते हैं पूरे इंडिया की तो वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है वो आपका आ, आपका उससे टाइम वेस्ट होगा आपको वो नहीं पढ़नी है ऐसी रिलेवेंट चीज़ें इस बैटर के उतने समय में आप उस दिन के करंट एयर को रिवाइज कर लें ठीक है सो so, इस तरह की स्टेटिक को अवॉइड करना सीखिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा होती है बहुत ज्यादा होती है और अगर इन केस एग्जाम में एक क्वेश्चन आ भी जाता है तो अगर कोस्ट बेनिफिट रेशियो की बात करूँ इतनी सारी स्टैटिक अवेयरनेस को पढ़ने के बाद अगर एक क्वेश्चन आता है तो वो आपको कोई बेनिफिट नहीं देने वाला क्योंकि इतना कुछ पढ़ने के बाद अगर हम एक क्वेश्चन स्कोर कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज उतने टाइम में मैं अगर करंट अफेयर्स को दो से तीन बार रिवाइज कर रहा हूँ जितने टाइम में आप स्टैटिक अवेयरनेस एक्सक्लूसिवली कर रहे हैं तो शायद एक नंबर की बजाय मेरे तीन से चार नंबर ज्यादा आ जाए। That means the cost benefit ratio. कि आप किसी एक चीज को कर रहे हो और उस चीज को करने पे आपको तीन घंटे लग रहे हैं और उसी जगह पे आप किसी और एक चीज को कर रहे हो उसको करने में भी तीन घंटे लगते हैं यहां से अगर आपको एक नंबर मिलेगा और यहां से आपको तीन नंबर मिलेंगे या फिर चाहे दो नहीं नंबर मिले तो आप इस चीज को प्रेफर करोगे इस एक घंटे इस तीन घंटे को आप नहीं प्रेफर करोगे आप इस टॉपिक को छोड़ के जाओगे दिस इज द स्मार्ट वर्क वी नीड टू डू अगर आ भी जाता है ऐसा कोई क्वेश्चन तो यू नीड नॉट टू वरी बिकॉज आपने उन एक उन तीन घंटों को आपने बहुत अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट किया था जहां से आपके बाकी क्वेश्चन सही हो रहे हैं सो इट स्टैटिक सेटिंग उस तरह से करना छोड़ दीजिए नेक्स्ट न्यूज चलते हैं हम uh, BOB साइंस एमओयू विद डिफेंस फोर्सेस फॉर इट्स न्यूली लॉन्च बरोदा मिलिट्री सैलरी पैकेज सो बैंक ऑफ बरोदा ने आपका एक बैंकिंग सर्विसेज अलग से बैंकिंग सर्विसेज को देने का फैसला किया बरोदा मिलिट्री सैलरी पैकेज सो यहां पर बेसिकली मिलिट्री यहां पे जो आर्मी के जवान हैं उनके लिए आर्मी एयर इन सब के लिए किया गया है यहां पर एंड इसके लिए यहां पर एमओयू साइन किया है इन्होंने इंडियन नेवी एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ किया है ऑलरेडी इंडियन आर्मी के साथ इनका ऑलरेडी चल रहा है आपके ऐसा नहीं है केवल बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव कुछ ऐसा लॉन्च किया है ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है नॉर्मल सा प्रोडक्ट है जो सभी बैंक का होता है और सभी बैंक अपने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं सभी बैंक के अपने अपने हैं आपके सभी सभी डिफेंस फोर्सेस कोस्ट गार्ड भी आ गया सो कोस्ट गार्ड में है उनको कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है सुविधाएं क्यों प्रोवाइड की जाती है क्योंकि एक कहने की बात यह है कि अगर मान लीजिए मैंने वहां पर किसी आर्मी कैंट में जाकर मैंने ये पांच परसेंट का अकाउंट ओपन कर दिया सो so, ऑब्वियस वो एक पूरी की पूरी कम्युनिटी है पूरी की पूरी वो एक कम्युनिटी है जहां पर सभी लोग एक साथ रहते हैं तो एक कह सकते हो ना पांच लोग आगे वो बात पचास तक पहुंचाएंगे पचास आगे ढाई सौ तक पहुंचाएंगे सो समथिंग लाइक दिस सो ये आपकी चीज बढ़ती रहेगी और ये अगर सभी के सभी अकाउंट मेरे पास बल्क में आ जाते हैं मान लीजिए मेरे पास पांच सौ अकाउंट बल्क में आ जाते हैं तो उन सबका डिपोजिट मेरे पास आएगा वो लोग मेरे पास दिपोजिट्स, दिपो, दिपोजिट्स कराएंगे उनको आगे में डिपोजिट को यूटिलाइज करूंगा अदर और इन डिपोजिटर्स से मैं अदर अदर प्रोडक्ट्स जो हैं जो हमारे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी सेल कर सकता हूं या फिर इनको मैं कुछ लोन के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड प्रोड़ करा सकता हूँ ताकि वो आगे उनको लें या फिर हमें अपना इंटरेस्ट रेट आपका जो लोन पे है वो इनसे इनकम के फॉर्म में आपको मिले सो so, इसी तरह की चीजें बहुत सारे बैंक्स के द्वारा की जाती है कोई बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहली बार नहीं किया है कि इन्होंने डिफेंस फोर्सेस के साथ मिलिट्री सैलरी पैकेज किया है इस तरह के मिलिट्री सैलरी पैकेज बहुत सारे बैंक के द्वारा ऑलरेडी किए जा चुके हैं बट ये है कि अभी सामने बैंक ऑफ बड़ौदा है तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम का क्वेश्चन यही बनता है बाकी ऐसा नहीं है कि बाकी बैंक ने नहीं किया ठीक है सो यहाँ पर का बरोदा मिलिट्री सैलरी पैकेज मींस आपके सैलरी अकाउंट है वो बैंक ऑफ बरोदा के पास खोला जाएगा ये इन चारों ने किया है आपका फैसला चार एजेंसीज ने एंड सिमिलर पैकेज वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड टू द सेंट्रल आर पुलिस फोर्सेस को भी यही बैंक ने पैकेज दिया था इसमें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं लाइक दे आपका एटीएम डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आपको आपको आर टी करानी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है चार्जेस नहीं लगते ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे चार्जेस है ना वो आपके वेव रहते हैं बाकी आपका सब कुछ एज इट इज चलता है बैंक ऑफ बड़ौदा का नीचे स्टैटिक इफेक्ट हो गया फोरकास्ट so किया, किया है इंडिया के जी डी पी को इन फाइनेंशियल ट्वेंटी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगी जो की आपका सेप्टेम्बर दो हजार बीस में आपका बारह पॉइंट छ माइनस बारह पॉइंट छ आपकी एस्टिमेट की गई थी राइट जी डी पी फॉर क्वार्टर थ्री अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, आपका में. So ये आपका एंड मेंसेंट रहेगी क्वार्टर फोर में सो ये पॉजिटिव में 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 आ जाएगी क्वार्टर क्वार्टर एंड आपके दो परसेंट रहने का अनुमान है एंड यहाँ पर ओवरऑल जो है वो आपका से जो एनुअल माइनस सेवन पॉइंट थ्री मीन्स पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है वो आपकी ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन होगी आपकी जी डी पी सॉरी आपकी डिक्लाइन होगी पिछले से इस साल दैट इज ए ग्रोथ डोमेस्टिक

गया है ओके एन सी ए आर न्यू दिल्ली में है नंदन एल नल्के शेखर शाह इसके डीजी हैं नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं सिंगापुर का फूडी होकर कल्चर गिवन यूनेस्को रिकॉग्निशन सो सिंगापुर का होकर कल्चर होकर कल्चर क्या है होकर कल्चर रेफर टू द कम्युनिटी ऑफ द द वेंडर्स हु कुक एंड सेल मील्स इन 114 सेंटर्स अक्रॉस द सिंगापुर सो पूरे के पूरे सिंगापुर में 114 ऐसे होकर सेंटर्स हैं जहां पर आपका खाना बनाया जाता है और उनको बेचा जाता है ये पूरी की पूरी कम्युनिटी है उन वेंडर्स की इसको होकर कल्चर का नाम दिया गया है सिंगापुर के द्वारा और इसी होकर कल्चर को यहाँ पर शामिल किया गया है आपका या फिर कह लीजिए यूनेस्को के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है सो so, सिंगापुर का ट्रेडिशन ऑफ कम्युनल डाइनिंग एट द होकर सेंटर्स हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमिटी ओके सो यहाँ पर ये आपका किया गया है इंक्लूडेड इन दिस सिग्निफिकेंस। सिंगापुर होकर कल्चर गुड गेट दिसर्स ने सबमिट किया है इसके बारे में एंड दीज सेंटरिटी डाइनिंग रूम खाकर कोई भी आकर खा सकता है हम जिसको सरल भाषा में जानते हैं वेर पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड गैदर एंड शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ डाइनिंग

यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने कॉन्फर किया आपका लेगन ऑफ मैरिट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड अदर लीडर्स टू द्वाड फोरम क्वाइड क्या है क्वाड आपका है क्वाडरी लीटर सिक्योरिटी डायलॉग ओके चार देशों की एक एजेंसी चार देशों की ऑर्गेनाइजेशन है

ये किया कर, इन्होंने काम करते हैं। अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज भी ऑर्गेइज की गई थी क्वाइड ने चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कौन सी एक्साइज थी सो so, यहाँ पर डिफेंस एक्सरसाइजेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लीगन ऑफ मेरिट आपके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एंड इसके अलावा उन्होंने इसी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन को एंड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिजो अबे को इन चारों को इन तीनों को यहाँ पर दिया गया इससे सम्मानित किया गया लीगन ऑफ मेरिट्स लीगन ऑफ मेरिट ये अवार्ड दिया गया यहाँ पर लीगन ऑफ मेरिट बेसिकली दिया जाता है टू दि मेम्बर्स ऑफ यू एस मिल्ट्री अगर आप यू एस मिल्ट्री के मेम्बर हैं एज वेल एज किसी भी तरह के मिलिट्री या फिर पॉलिटिकल फिगर्स जो दूसरी कंट्रीज के हैं दूसरी कंट्रीज़ के मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फिगर्स जिनके साथ काफ़ी अच्छे आपके ताल्लुक हैं हाँ यूएसए के और उन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है यूएसए के साथ आपके रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश करने के लिए इसीलिए उनको लीगन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया जाता है एंड अवार्ड वाज प्रेजेंटेड ये अवार्ड प्रेजेंट किया बेसिकली नरेंद्र मोदी जी वहां पर नहीं गए यहाँ पर यूएस से यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओ ने तरनजीत सिंह सिंधु जो कि एम्बेसडर हैं आपके इंडिया में टू द यूनाइटेड स्टेट्स उनको ये अवार्ड दिया ऑन बिहाफ ऑफ द नरेंद्र मोदी जी के बिहाव पर ये अवार्ड आपका तरनजीत सिंह संधू को दिया गया है एंड द अदर अवार्ड जो कि अदर इंडियन जिनको ये अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है वाज द फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ओके okay, के एम करियप्पा को ये अवार्ड मिल चुका है एंड इसके अलावा ये अवार्ड जो है चार कैटेगरी में दिया जाता है चीफ कमांडर अवार्डेड टू हेड ऑफ द स्टेट कमांडर अ पर्सन हु इज इक्विवेलेंट टू यूएस मिलिट्री चीफ

नरेंद्र मोदी बाकी दोनों प्राइम मिनिस्टर के नाम याद रखने हैं आपको इससे पहले इस कैटेगरी में के एम करियप्प्पा को मिला है एंड दी चार कैटेगरीज हैं आपकी चारों कैटेगरीज आप देख लीजिएगा और पहला कब मिला है किसको मिला था और बाकी इंडियन कौन से थे और पहली बार किसने इसको स्टार्ट किया था नेक्स्ट चलते हैं वॉरबर्ग सेल्स 4.4% इन स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर करोड़ सो रेडवुड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एंटिटी बाय साथ यहाँ पर चार पॉइंट सैंतालीस प्रतिशत स्टेक यहाँ पर सेल किया गया है आपका एयू uh, फाइनेंस uh, okay, में आपका सेल किया है सो जस्ट दैट्स द न्यूज इसमें कुछ खास नहीं है ना बस इतना ही है फोर पॉइंट फोर सेवन परसेंटेक और दर एंड नाम है दो ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन वीमेन ने साइन किया एक एमओयू विद केला गवर्नमेंट जेंडर पार्क ओके यूनाइटेड नेशन वीमेन ने साइन किया एमओ यू विद केरला गवर्नमेंट जेंडर पार्क टू एस्टेब्लिश इंडिया का पहला जेंडर डाटा हब ओके जेंडर डाटा हब यहां पर एस्टेब्लिश किया जाएगा जेंडर पार्क है ट्वेंटी फोर एकड़ कोजीगोड़े कैंपस कोजी घोड़े okay, में यहां पर एस्टेब्लिश यह किया जाएगा जहां पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जेंडर एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट ये भी वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है ये ऑर्गेनाइजेशन एंड जेंडर पार्क आपका बेसिकली ये इनिशिएटिव है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का गवर्नमेंट ऑफ केरला का जो कि 2013 में स्टेबलिश किया गया था ये अपने आप में पहली तरह के इस तरह का अलग से लोकेशन यहाँ पर बनाई गई है जो कि आपकी रिलेटेड है आपकी जेंडर इक्वालिटी को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए ओके वहाँ पर नॉलेज एक्सपीरियंसेस एंड ऑल यहाँ पर एक तरह से एक हब बनाया गया है इस चीज का यहां पर द पार्टनरशिप फॉर्दर द कोज ऑफ अ जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी एंड ऑफ एम्पावरमेंट सो एग्जांपल इज अ क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन ने किसके साथ एमओयू साइन किया है केरला गवर्नमेंट के साथ साइन किया है इंडिया का पहला जेंडर डाटा हब क्रिएट करने का एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यहाँ इक्वालिटी दिस हैज हैजिन डन बाय द यूनाइटेड नेशन वीमेन सो एग्जाम में जिस यूनाइटेड नेशन वीमैन पूछ लेंगे या केरला पूछ लेंगे जैस इतना ही और कहां पर कोजी गोड़े, कोजी गोड़े में ये किया गया, भी है, जगह okay, में में आया था ये ध्यान रखिएगा तिरुवनपुर केरला में चेयरपर्सन के के शैलजा है जो मिनिस्टर फॉर हेल्थ सोशल डेवलपमेंट केरला गवर्नमेंट ऑफ केरला में काम करती हैं राइट right. चलिए नेक्स्ट चलते हैं वेटरन कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एम पी मोतीलाल वोरा इनका हाल ही में निधन हो गया ये दो बार आपके चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मध्य प्रदेश के तेरव चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के 1985 और 1989 तक रहे के, जो पहली बार ये बने थे एंड एमपी रह चुके राज्यसभा के चार बार लोकसभा में जा चुके हैं एक बार एंड एज गनर ऑफ उत्तर प्रदेश नाइन्टी थ्री एंड दी पोस्ट नाइन बाबरी मस्जिद डेमोलिशन एरिया एरा सो okay. so, ये है आपके वर्टर्न कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एम पी मोतीलाल वोरा इनका हाल ही में आपका निधन हो गया ये बिलोंग करते थे आपके कांग्रेस पार्टी से मध्य प्रदेश के दो बार ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं चलिए मेरे दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था उम्मीद करता तो हूँ पसंद आएगा आज का सेशन इसी तरह से जुड़े रहिए इस सेशन के तुरंत बाद होता है एक एमसीयू क्लास जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा जरूर ज्वाइन किया कीजिए उस सेशन को क्योंकि आप जब तक एमसीक्यू नहीं करेंगे तब तक आप की रिवीजन उस लेवल पे अच्छे से नहीं हो पाएगी डरा मत कीजिए अगर आपको आता है वेल अगर आपने चांस नहीं रिवीजन किया तो क्लास में रिवीजन हो जाएगा आपको क्वेश्चन पढ़ के रिवीजन हो जाएगा तो यह मत सोचा कीजिए कि मैं रिवीजन करूंगा तभी मैं राइट ओके चलिए और एक और चीज हमारा एक जो अगर मॉक टेस्ट आप परचेज करना जा रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उस लिंक पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी स्टडी नीति ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट का लेवल कल मैंने टेलीग्राम चैनल में दो मैसेजेस आपके ड्रॉप किए थे उन मैसेज को जरूर देख लीजिएगा आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आप मॉक टेस्ट खरीदने के लिए अभी पशुपेश में कि क्या किया जाए तो उन मैसेज को देख आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ वाकई में बहुत शानदार लेवल के अभी शुरुआत है हमारे बट आई एम श्योर ऑलरेडी रिव्यूज पढ़कर आपके कमेंट पढ़कर मैंफिडेंट हूं कि uh, जो मोक टेस्ट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, वो मार्केट में जितने भी आपके रेप्यूटेड मोक टेस्ट है उनके टक्कर का है ठीक है और प्राइस uh, में तो बहुत ही कम है राइट right. सो so, एक क्विक रिवीजन करते हैं फिर हम एमसी क्लास में चलेंगे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है एक हाई लेवल कमेटी जिसको हेड करेंगे अमित शाह जी एक सौ पच्चीसवीं बर्थ एनिवर्सरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आपकी पूरी की पूरी एक्टिविटीज आपकी किस तरह से उनको सेलिब्रेट किया जाना है आपका राइट right. जी एस डब्ल्यू जे एस सी डब्ल्यू कैश दी रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन ये रन किया गया है आपका नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अवेयर एंड स्पोर्ट्स के अंडर काम करता है छह सौ तेईस डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा मपेदा ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला एक्वा फार्मर्स कॉल सेंटर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में सो ये आपका इंडिया का पहला कॉल सेंटर कॉल एक्वा फार्मर्स के लिए मपेदा के द्वारा ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने पर कहा है टू जीरो फ्यूल को यहाँ पर अडॉप्ट किया जा सकता है जिसमें 20 परसेंट ब्लैंडिंग एथेनॉल एंड गैसोलाइन की ऑलरेडी दस परसेंट है जबकि इंडिया में 5.6 पॉइंट प्रतिशत ही अचीव किया जा चुका है इंटरनेशनल गीता महोत्सव ये आपका हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एसोसिएशन किया है एनपीसी के साथ मिलकर लॉन्च किया रुपए सेलेक्ट कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड एक साथ ये आपका रुपए कार्ड जो रहेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में रुपए कार्ड रहेंगे ये टैप एंड गो यानी किन एफ टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड रहेंगे सो जस्ट यू नीड टू टैप ऑन दी ऑन द मशीन एंड यूर अमाउंट विल बी डिडक्टेड ओके सो इसके लिए यहाँ पर एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी कवर भी दिया गया दस लाख रुपए का अगर आपके पास ये कार्ड अवेलेबल रहता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने साइन तो किया एमओ डिफेंस फोर्स के साथ जिसके तहत उनको एक सैलरी अकाउंट्स आपके ओपन करवाए जाएंगे उनके सैलरी अकाउंट्स वहाँ पर ओपन किया जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने एमओ साइन किया है आपका फिलहाल इंडियन नेवी इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ इंडिया के जीडीपी डी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है सात पॉइंट तीन परसेंट से फाइनेंशियल ट्वेंटी वन ओवरऑल की बात करो ये कहा है एनसीआर नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने ये ऐसा कहा है एंड लास्ट एंड लास्ट ईयर ये ऑलरेडी पहले 12.6 पॉइंट प्रतिशत था बट अब ये 7.3 प्रतिशत कर दिया गया है क्योंकि ये अब अनुमान किया जा रहा है कि यहाँ पर जीडीपी इंक्रीज होने की संभावना पूरी पूरी है सिंगापुर का फूडी हॉकी कल्चर इसको यूनेस्को का रिकॉग्निशन मिला रिकॉगनेटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमिटी ये आपका मिला है हॉकर कल्चर यहाँ पर कम्युनिटी ऑफ वेंडर जो कि आपका खाना बनाते हैं और उनको सेल करते हैं एक ऐसे सेंटर्स हैं अक्रॉस दिस सिंगापुर यूएस जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आपका लीगल ऑफ मेरिट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जापान शिंजो अबे को इससे नवाजा है दैट इज द लीगल ऑफ द ओके पिनकस ने बेचे हैं 4.4 पॉइंट स्टेक इन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कीमत है इसकी फोर करोड़ यूनाइटेड नेशन वीमेन ने साइन किया एमओ यू केला गवर्नमेंट के साथ जेंडर पार्क के लिए इंडिया का पहला जेंडर डाटा हब है ये आपका जो कि एस्टेब्लिश किया गया है कहां पर कोजीगोड़े कैंपस में वेटरन कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एम पी मोतीलाल वोरा इनका निधन हो गया दो बार एमपी में यह मुख्यमंत्री रह चुके हैं चलिए मेरे दोस्तों टेक केयर बाय सी एम सी क्लास जल्दी से स्विच कीजिए एमसी क्लास में आ जाइए वहां पर स्टार्ट करते हैं क्लास को